राधा रानी से एक कोई चतुरा चालाक सखी थी, उसने मजाक किया। उनने कहा अरे सखी क्या उससे प्यार करती है, वो तो हरेक के पीछे घूमता रहता है और कहता है तू ही मेरी है, और उसकी कितनी खराब बातें बताऊं, चोर भी है। हाँ अरे इतना बड़ा डाकू है, पैदा होते ही जेल से फरार हो गया बाप को लेके। इतिहास में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो बाप को लेके फरार हो पैदा होते ही। अरे बाप तो कोई फरार हुआ नहीं था जेल से, ये तो इन्हीं का चमत्कार था कि सब पहरेदार सो गए, ताले खुल गए, यमुना ने मार्ग दे दिया। राधा रानी कहती है हमको सब मालूम है और फिर भी आप प्यार करती हैं। अरे क्या करें, मन है नहीं मानता, और हमको गुण से मतलब क्या है। ये प्यार है, ये बड़ी मोटी अकल की बात है, हम लोग रोज अनुभव करते हैं। हम जिस चीज की आशा जिससे करते हैं वो चीज न मिले, बस अबाउट टर्न। रोज मर्डर हो रहा है, आजकल तो मजाक है। पूर्व लड़के ने कहा लड़की से कि हमसे ब्याह कर लो, उसने कहा भाग तुझसे ब्याह करेंगे, दो कौड़ी का है, गोली मार दिया। रोज एक दो कांड हो रहे हैं इस तरह के, और पकड़ा भी गया, फांसी भी होगी, सब होगा, हो जाए कोई बात नहीं, इसने धोखा दिया। तो नारद जी ने पहला शब्द पकड़ा गुण रहितम, दूसरा उन्होंने कहा कामना रहितम। अपनी कामना लेकर नहीं जाना, नहीं तो कामना पूर्ति न हुई तो प्यार खत्म। हमें आशा थी 10 रुपया देगा और इसने 9 दिया, ठीक है लेकिन 10 नहीं दिया इसने, और इसने 8 दिया और कम हुआ, इसने 4 दिया और कम हो गया, इसने कुछ नहीं दिया। बुराई शुरू हो गई उसकी, वो ऐसा है, वो ऐसा है, सुनो जी वो हेलो। देखो कितने इतिहास में हमारे महापुरुषों का अपमान किया, झूठा इल्जाम लगाया, और क्या क्या दुर्दशा की है संतों का, जिनका जीवन ही हमारे लिए है। तो कामना से युक्त जो भी प्यार होगा वो एक दिन नास्तिक बना देगा, अबाउट टर्न कर देगा। हमने कामना की, बेटा हमारा बीमार है अच्छा हो जाए, हे हनुमान जी, हे वैष्णो देवी, हे तिरुपति महाराज, वो अच्छा हो गया। वैष्णो देवी चमत्कारी है। दूसरी दिन, दूसरी साल फिर वो बीमार हुआ, चलो वहीं चलो, और वहां दर्शन करने गए थे, यहां ये मर गया। अरे यार कुछ नहीं, सब बेकार, खत्म। प्यार वार कौन कहे। बिल्कुल बिजनेस है, जैसे संसार में हम लोग दुकानदार के सामने जाते हैं और उससे कहते हैं साड़ी दे दो, उसने कहा आइए आइए आइए,
ऐ पंखा खोल दो, ऐ थम्स अप लाना, साड़ी लीजिए। अरे बस एक ही साड़ी चाहिए, आप तमाम क्यों फैला रहे? अरे तो बाबा एक ही ले लेना, देख तो लीजिए। वो तो चालाक है बनिया, उसने कई साड़ी दिखाया कि किसी में मन लग जाएगा इसका तो जरा ज्यादा मिल जाएगा। और ये कितने की है? इतने की, इतने की नहीं भाई, देखो हमारे यहाँ मोल तोल नहीं होता, एक दाम है। हम तो साहब इतना हमारे पास है, हम इतना देंगे। क्या? आगे जाओ जरा, उसका फेस देखो, दुकानदार का कैसा हो गया। रोज होता है, ये हमारे समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को दिन रात का अनुभव है, माँ से, बाप से, बीबी से, पति से, सब से। तो कामना ने ही तो हंकारे अनंत जन्म बर्बाद किए। वेद ने तो यहां तक कह दिया, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदिश्रिताः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद 2:3-14, ये बृहदारण्यकोपनिषद में भी मंत्र है, 4:4-7, साठ्यायिनी उपनिषद में भी यह मंत्र है, 27वां। कामनाएं छोड़ दो, तुम ब्रह्म बन जाओ, आनंदमय हो जाओ। क्योंकि कामना से ही अब कामना की पूर्ति करेंगे ना हम, जब कामना पैदा होगी तो। और पूर्ति के लिए सब प्रकार की 420 झूठ बोलेंगे, अनेक प्रकार के तिकड़म करेंगे, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े अपनी कामना पूर्ति के लिए क्या क्या उपाय करते हैं। और कामना पूर्ति हो गई तो लोभ, और नहीं हुई तो क्रोध, फीलिंग, डिप्रेशन। साइकोलॉजी के अनुसार फिर जाके वो दवाई खाता है, ये तो मेंटल हो गया, मेंटल। सभी मनुष्य मेंटल है, वही क्या हो गया? अरे कौन मेंटल नहीं है? सारा दुख हमको जो मिल रहा है वो मेंटल होने से तो मिल रहा है। हमने अपने को नहीं समझा, सबसे बड़ा दुख प्रमाण मेंटल होने का यही है। संसार को अपना माना, संसार में सुख माना, रोज देख करके भी, और ये मेरा बाप है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बीवी है, ए लो आज मर गया, अरे तुम मर गए, अरे ऐसा कैसे काम चलेगा, अरे चले न चले, हमारा टाइम हो गया, हम जा रहे हैं। अरे हम प्राइम मिनिस्टर हैं, हम राजा हैं, प्रेसिडेंट, अरे तुम कोई हो, टाइम हो गया, जाना होगा। भगवान तक के लिए भी यमराज गया था राम के पास, महाराज आपका समय हो गया, अब आप रहे, आपकी इच्छा, सूचना देने आए हैं। यो सही बात तो वही है सब। तो कामना सबसे बड़ी दुश्मन है।
कोई नहीं बचेगा। और ये कामना कोई साधारण आदमी की होती है सो नहीं, सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, स्वर्ग सम्राट इंद्र भी ब्रह्मा का पद चाहता है। सब जगह बीमारी है और सामान मिलता जाता है। जब से आप लोग पैदा हुए कितनी कामनाएं बनाई और कितनी पूरी हो गई, लेकिन फिर कामना, वो भी पूरी हो गई, फिर कामना। जिसके बाप के बाप साधारण दुकान करते थे, उसके बेटे का बेटा खरबपति हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये सब होता है ना संसार में। लेकिन हालत वही की वही, सबके वही कामना, वही अशांति, वही टेंशन, वही केवल जोकरी। पूरी हो गई लोभ, नहीं पूरी हुई क्रोध, पूरी हो गई लोभ, सब दुखी हैं, सब अशांत हैं। अनंत जन्म बीत गए, ये डिसीजन नहीं कर पाए वो लोग। अगर हम ये डिसीजन पक्का कर लेते, इसकी कामना, इसकी माने माइक जगत की कामना से केवल दुख मिलेगा, पूरी हो तो न पूरी हो तो दो में एक होगा। और कामना करना ये हमारा नेचर है, नेचर। हम नहीं करेंगे जी आज से। अरे कैसे नहीं करोगे, तुमको आनंद चाहिए ना, हाँ, इसलिए कामना करना पड़ता है। कैसे आनंद मिले, वो संत लोग कहते हैं कि उधर जाओ तो आनंद मिलेगा। अरे 10-20 आदमी कहते हैं कि इलाहाबाद पूरब तरफ है, बाकी सब तो लखनऊ की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ। ये सब बेवकूफ है क्या, जिधर सब जा रहे हैं उधर हम भी चलेंगे। तो नारद जी ने कहा गुण रहितम कामना रहितम, और इससे बड़ी परिभाषा क्या है, प्रतिक्षणम वर्धमानम। वो प्रेम बढ़ता जाए, और संसार का प्रेम कैसा होता है, घटता जाता है। छाए वो मैत्री, सवेरे परछाई बड़ी लंबी होती है और धीरे धीरे कम होते दोपहर को 12 बजे शरीर में समा जाती है। उसके बाद फिर शुरू होती है बड़ी होना और शाम को लंबी हो जाती है। ऐसे ही नकली प्रेम पहले बहुत ज्यादा, जब आप लोगों का ब्याह हुआ तो आपकी बीबी आई तो आप खाइए, नहीं आप खाइए, क्या क्या नाटक किया है आप लोगों ने। और उसके बाद बीबी की तरफ अब देखते भी नहीं, हमारी लाइफ खराब हो गई ऐसी बीबी मिली, खत्म हो गया सब। पहले पहल हम कोई मटेरियल सामान देखते हैं, ताजमहल है, अरे हा क्या बात है, उस जमाने में बिना यंत्र के एक पत्थर चढ़ाए गए। दोबारा फिर गए आगरा, चलो देखा, अरे देख लिया आपका, देखा
अरे देखो ये देवियां जिनका विवाह हुआ है, ये जब जाती थी गई थी पहली बार पति के यहां तो लोग देखने आए थे, लोग चलो बहुत देखा मैं, क्या बात है उसकी नाक पीछे है क्या, क्या देखोगे वही चमड़े का शरीर तो है जो तुम्हारी बीबी का है, बड़ा इंटरेस्ट। उसके बाद फिर अगर वो बीबी बीमार हो सीरियस और उसका पति कहे जरा डॉक्टर बुला दो, टाइम नहीं है, तो प्रेम जो होगा जो प्रियतम के सुख के लिए वो प्रतिक्षण बढ़ेगा, नहीं बढ़ता तो प्रेम नहीं, घटता है वो तो कुछ भी नहीं है, ढोंग धोखा है, उसको कामना कहते हैं, प्रेम का उल्टा। तो प्रेम का स्वरूप जो प्रियतम के सुख के लिए हो, तो इस लाइन में यहां जो अभी एक देवी जी गा रही थी कि ऐसी कृपा कीजिए महाराज कि आपके सुख में मैं सुखी हो जाऊं। देखो संसार में अगर किसी का पति किसी की बीबी किसी की ओर थोड़ी देर लगातार भी देखे, ये इधर का देख रहा है, ये इसकी तरफ घूर घूर के देख रही है, डाउट। और अगर बातचीत करते हुए देख ले और डाउट, और अगर चिपटाते हुए देख ले गजब हो गया, प्रलय हो गया, गोली मार देंगे। लेकिन संत लोग क्या करते हैं, चलो चलो भगवान से मेरे प्यार करो तुम भी, अरे ये भगवान से प्यार करने लगा, कितनी खुशी हो रही है संत को कि मेरे कहने से ये श्री कृष्ण से प्यार करने लगा, मुझे भले ही वो न देखे इसको तो देखे, उनको ये खुशी हो रही है। ये प्रेम और ये कामना में अंतर है। जो हमारे श्याम सुंदर के सुख के लिए करे वो प्रेम है। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय हो सद्गुरु सरकार बलिहार बलिहार, जय हो सद्गुरु सरकार बलिहार बलिहार, जय हो सद्गुरु सरकार बलिहार सद्गुरु सरकार बलिहार बलिहार, जय हो सद्गुरु सरकार
¡Gracias!
बलिहार 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 हो जय हो जय हो सतगुरु सरकार बलिहार Say